नमस्कार, हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। ये जो आप तैयारी देख रहे हैं, यह तैयारी खरगोदा एमजी में मारुति की 800 एकड़ जमीन में की जा रही है। यहाँ पर आने वाले समय में मारुति का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए प्लांट लगाया जाना है और भूमि पूजन करके यहाँ पर आधारशिला रखी जानी है। इसके लिए तैयारी जोर शोर से चली हुई है। सिद्धार्थ कॉन्ट्रैक्टर यह कार्य करने में जुटा है। आईएमटी खरखुदा के मारुति के 800 एकड़ के प्लांट में मारुति के कौन कॉन्ट्रैक्टरों में काम शुरू करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 10 अगस्त को यहां पर भूमि पूजन के बाद बाउंड्री निर्माण का कार्य शुरू किया जाना है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने जमीन में साफ सफाई शुरू कर दी है। फर्स्ट फेज में बाउंड्री, इस तरह से 4 फेज में मारुति का कार्य चलना है। 4 बड़े कॉन्ट्रैक्टर को मारुति कंपनी ने टेंडर सौंपा है ताकि वर्ष 2025 तक मारुति कंपनी खरखुदा में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सके। जानकारी के मुताबिक मारुति कंपनी यहां पर 20,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है, जिससे यहां पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मारुति कंपनी अपने प्लांट की आधारशिला अगस्त महीने की 29-30 तारीख को भी रख सकती है, हालांकि अभी तिथि फाइनल नहीं हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आधारशिला समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। HSIIDC के वरिष्ठ अधिकारी ने इस दिशा में कार्यवाही तेज की हुई है। इसी तरीके से दूसरी तरफ खरखुदा IMT में सड़कें, सीवरेज, पेयजल व ड्रेन संबंधी सुविधाएं देने के लिए तैयारी की हुई है, ताकि आने वाले समय में बहुत तेजी से खरखुदा IMT का विकास कराया जा सके। खरखुदा IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव दहिया का कहना है कि खरखुदा में मारुति कंपनी से खरखुदा आसपास के लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर मिलेंगे और इस एरिया का मानेसर, बेंगलुरु व यूरोप के अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर विकास को तेजी से गति मिली। इसे खरखुदा शहर आधुनिक शहरों के रूप में विकसित होगा। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।